हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ तारकनाथ रुद्र, टेलिंग ऑफिसर, एनएसटी हावड़ा। आज हम लोग जो है व्हीकल बैटरी की जो सर्विसिंग है, उसकी चार्जिंग और व्हीकल बैटरी टेस्टिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है व्हीकल बैटरी, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन दे रखा है, क्या चीज है, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो है दो व्हीकल बैटरी रखा है। ये व्हीकल बैटरी एक्साइड कंपनी के, एक्साइड एक्सप्रेस, ये भी एक्साइड एक्सप्रेस है। ये दोनों व्हीकल की बैटरी की जो मॉडल है XT1500, XT1500 और ACV। ACV मीन्स क्या है, हेवी कमर्शियल व्हीकल, यूज फॉर हेवी कमर्शियल व्हीकल। अभी सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है XT1500 इसका क्या मीनिंग है। तो XT बैटरी की जो रेटिंग्स होता है, बैटरी की रेटिंग्स जो है चार वे से जो है चार हम लोग जो है डिनोट करते हैं। बैटरी की रेटिंग सबसे पहले इसमें आता है 20 आवर्स रेटिंग, नेक्स्ट आता है 20 मिनट्स रेटिंग, नेक्स्ट आता है इसमें रिजर्व कैपेसिटी, और एक आता है CCA मींस क्या है, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ये जो बैटरी है, बैटरी की एम्पियर और कैपेसिटी क्या है। तो जैसा इसमें लिखा है XT1500, इट मींस क्या है, ये जो बैटरी है, इस बैटरी की जो एम्पियर आवर्स रेटिंग है, एम्पियर आवर रेटिंग है इसमें 150 एम्पियर आवर। और ये बैटरी जो आप लोग देख रहे हैं, ये बैटरी की जो डायमेंशन इधर ये 508 मिलीमीटर एज पर मैनुअल है, ये 508 मिलीमीटर है, ये है आपका 222 मिलीमीटर, और बैटरी की जो हाइट है 257 मिलीमीटर। और बैटरी इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो है, बैटरी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आता है, मींस क्या है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, ये दोनों की जो मिश्रण है, इसकी जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है इसमें 10.4 लीटर। तो इसमें अगर जो है बैटरी को अगर जो है मान लीजिए रिकंडीशनिंग करना है, तो रिकंडीशनिंग करते समय तो इसकी जानकारी होना चाहिए कि बैटरी में कितना जो इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें डाला जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें 10.4 लीटर इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें आएगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें जो चार्जिंग करंट है, बैटरी को जैसा चार्ज करना है तो मैक्सिमम चार्जिंग करंट कितना रख सकते हैं, ये भी एज पर मैनुअल जो है हम लोग को देख रहा है। तो एज पर मैनुअल जो है इसमें 9 एम्पियर तक जो है चार्जिंग करंट जो है इसमें दे सकते हैं। तो चार्जिंग करंट जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्जिंग करंट बेसिकली डिपेंड करता है जो बैटरी की जो सेल है, सेल में जो प्लेट्स जो है उसका जो हाफ करने से जो वैल्यू आता है नॉर्मली जो है उतना जो है मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो है बैटरी में दे सकते हैं बैटरी को चार्ज करते समय। तो CCA की जो वैल्यू है इसमें, तो CCA मींस क्या है, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर। इसमें बैटरी की जो CCA की वैल्यू है, इसको बेसिकली -18 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको स्पेसिफाई किया जाता है। और एज पर IEC मींस क्या है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, और एज पर SAE मींस सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, इसके अकॉर्डिंग ये बैटरी जो है, बैटरी की जो CCA रेटिंग है IEC के अकॉर्डिंग है 640 और SAE के अकॉर्डिंग है 785। और बैटरी की जो लेआउट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैटरी की जो दोनों जो टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल जो है सेम साइड में है, इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो है आपका नेगेटिव जो है टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है, ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बैटरी की जो लेआउट है, लेआउट इस वजह से यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे एक सेल है, नेक्स्ट सेल ये है, इधर तीन हो गया, इधर भी ये तीन सेल इधर हो गया। कुछ कुछ बैटरी में क्या होता है, ये जो है कंटिन्यू वजह से जो है सेल भी जो है हो सकता है, बट यहाँ पे जो है इस वजह से जो है बैटरी की लेआउट है, इस साइड में तीन पोर्शन, इस साइड में तीन पोर्शन है। तो अभी सबसे पहले हम लोग जो है ये बैटरी है, बैटरी की जो स्पेसिफिकेशन बताया, इसकी जो XT1500 मीन्स क्या है, बैटरी की जो एम्पियर आवर कैपेसिटी है ये 150 एम्पियर आवर। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये एम्पियर आवर क्या चीज है, 20 आवर्स रेटिंग क्या चीज है। तो एक बैटरी है, बैटरी कितना टाइम तक जो है कंटिन्यूअसली जो है करंट डिलीवर कर सकता है, 20 आवर्स तक जो है बैटरी क्या करेगा, कंटिन्यू वो ऐसे जो है करंट को डिलीवर करेगा। बट बैटरी की जो सेल की जो वोल्टेज है, सेल वोल्टेज है 1.75 वोल्ट से
कम नहीं होना चाहिए, उसी को कहा जाता है कि बैटरी की जो है एम्पियर आवर कैपेसिटी या 20 आवर्स रेटिंग। तो ये जो दोनों बैटरी है इसकी जो एम्पियर आवर रेटिंग है, एम्पियर आवर रेटिंग है 150 एम्पियर आवर। अगर XT1300 लिखा रहेगा इट मीन्स जो है बैटरी की जो एम्पियर आवर रेटिंग क्या होगा 130 एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर कैपेसिटी किस लिए जरूरी होता है बैटरी में, एम्पियर आवर कैपेसिटी इसीलिए जरूरी होता है कि जो व्हीकल में जो पावरिंग एक्सेसरीज है, पावरिंग एक्सेसरीज कितना टाइम तक जो है रन रह सकता है, मीन्स उसको स्विच ऑन रख सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके बैटरी को चूज किया जाता है, बैटरी की जो एम्पियर आवर कैपेसिटी है चूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है आता हूं इसमें जो है बैटरी की 20 मिनट्स, बैटरी की जो 20 मिनट्स रेट होता है, 20 मिनट्स रेट मतलब क्या है, बैटरी को जो है कंटिन्यू वे से जो है 20 मिनट्स जो है करंट डिलीवर करना है, बट उसमें बैटरी की जो सेल वोल्टेज है, बैटरी की सेल वोल्टेज 1.5 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बैटरी की रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी क्या है बैटरी की, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और रिजर्व कैपेसिटी के ऊपर बेस करके जो है व्हीकल की जो इंजन की जो सीसी है उसके ऊपर बेस करके बैटरी की जो रिजर्व कैपेसिटी है इसको सिलेक्ट किया जाता है। तो रिजर्व कैपेसिटी का मतलब यह है कि जो है बैटरी कितना टाइम तक जो है 25 एम्पियर करंट दे सकता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, ताकि जो है इसका वोल्टेज जो है 1.75 वोल्ट से कम ना हो। तो ये रिजर्व कैपेसिटी किस लिए जरूरी है, रिजर्व कैपेसिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग को ये पता है बैटरी जिस समय जो है इंजन जिस समय रनिंग रहता है तो उस समय क्या होता है ऑल्टरनेटर क्या होता है बैटरी को चार्ज करता है। सपोज मान लीजिए अभी ऑल्टरनेटर फेल हो जाता है किसी कारणवश, तो उस समय क्या होना चाहिए बैटरी की जो ये व्हीकल की जो इंजन है, इंजन क्या होना चाहिए रनिंग में होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कितना टाइम तक जो है व्हीकल की इंजन रनिंग में रहेगा, ये डिपेंड करता है बैटरी की जो रिजर्व कैपेसिटी है रिजर्व कैपेसिटी के ऊपर। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो है 44 एम्पियर आवर की अगर बैटरी है तो इसकी जो रिजर्व कैपेसिटी होता है, रिजर्व कैपेसिटी 1 आवर के आसपास होता है, मीन्स क्या है 60 मिनट्स। तो यहाँ पे ये बैटरी जो है आप लोग देख रहे हैं 1500 XT1500 मीन्स क्या 150 एम्पियर आवर। तो इसकी जो रिजर्व कैपेसिटी है लगभग 200 जो है मिनट्स के आसपास जो है इसकी रिजर्व कैपेसिटी है। और एक होता है कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर, जो इसमें बता रखा है कि जो मैनुअल में इसकी जो कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर -18 डिग्री सेंटीग्रेड में IEC के अकॉर्डिंग 640 है, और जो है आपका SAE जो है SAE के अकॉर्डिंग जो है ये 785 है। तो ऐसे ही इसमें कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो मान लीजिए कि जो है क्लाइमेटिक जो कंडीशन है बैटरी की, ये वेदर एटमोस्फेयर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ही बैड सिचुएशन है, जो टेम्परेचर जो है बहुत ही डाउन हो गया, तो इस सिचुएशन में भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बैटरी जो है क्या करेगा, व्हीकल को रन करने के लिए इंजन को चालू करने के लिए बैटरी करंट को सप्लाई करेगा। तो इस ये जो स्पेसिफिकेशन है इस स्पेसिफिकेशन को क्या बोलते हैं कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर। तो इसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट करता है कि जो है बैटरी कितना टाइम तक जो है डीम जो स्टैंडर्ड है डीम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 30 सेकेंड्स या BS हाफ स्ट्रेच के अकॉर्डिंग जो है 1 मिनट तक जो है ये करंट डिलीवर करेगा, बट जो है इसमें बैटरी की जो सेल वोल्टेज है सेल वोल्टेज 1.5 वोल्ट से 1.2 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। यह है बैटरी की कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर। क्या होता है वन कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर मीन्स 1 एम्पियर CCA जो है 16 CC इंजन को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर जो है जैसा 2000 2.4 लीटर की अगर इंजन है, जैसा ये हेवी कॉमर्शियल व्हीकल में यूज करने के लिए बैटरी है, तो अगर हेवी जैसा इंजन होगा 2.4 लीटर का इंजन होगा तो उसमें मतलब कितना सीसी हो गया 2400 सीसी। तो 2400 सीसी को हम लोग 16 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें नियर अबाउट कितना एम्पियर जो है चाहिए, इसमें जो है इसमें चाहिए नियर अबाउट 150 एम्पियर के आसपास जो है इसमें करंट चाहिए सीसीए चाहिए, ताकि जो है ये वोर्स सिचुएशन में भी जो है इंजन को स्टार्ट कर सके। अच्छा, बैटरी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है इसको थोड़ा सा जो है हम लोग देखेंगे।
तो जैसा ये बैटरी देखिए, तो इसमें बैटरी में टोटल जो है, इसमें जैसे 12 वोल्ट इसकी बैटरी को जो नॉमिनल बैटरी की जो नॉमिनल वोल्टेज है, इस बैटरी का 12 वोल्टेज है। तो इसमें टोटल कितने सेल्स है? टोटल इसमें जो 6 सेल है, इसमें देखिए ये नंबर 1 सेल ये हो गया, फिर ये यहाँ से ब्रेकेज हो गया, ये नंबर 2 सेल, नेक्स्ट नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो ये टोटल 6 सेल्स है, और 6 सेल का जो नॉमिनल वोल्टेज है 2 2 2 2 वोल्ट करके होता है, तो जो है 6 × 2 जो है 12 वोल्ट की बैटरी है। तो बैटरी में किसी भी एक सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। और क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट का ग्रिड रहता है, उसमें नेगेटिव प्लेट का भी जो ग्रिड रहता है, और क्या रहता है, इंसुलेटर रहता है। ये क्या है, बैटरी का जो आउटर केसिंग हो गया है, ये पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल या हार्ड रबर से जो है इसको बनाया जाता है, ताकि जो है ये जो है व्हीकल जिस समय रनिंग में रहेगा, तो उस समय जो है ये वाइब्रेशन को जो है एब्जर्व कर सके, और बैटरी जो है क्रैक भी ना हो। और बैटरी की जो ये सेल्स है, सेल्स में क्या है, ये इस वजह से आप लोग देख सकते हैं, ये प्लेट्स रहता है, और इसमें ये क्या है, ये है आपका ग्रिड। तो इसमें ग्रिड देखिए, ये क्या है, पैरेलल ग्रिड है, तो रेडियल ग्रिड भी हो सकता है। जैसा अभी एक साइड ये बैटरी है, एक साइड बैटरी में ये XT1500 में इसमें क्या होता है, रेडियल ग्रिड डिजाइन रहता है। बट जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका ये पैरेलल ग्रिड डिजाइन है, इसमें देखिए ये पैरेलल जो ग्रिड है, इसमें इस वजह से जो है ये पैरेलल ग्रिड दे रखा है। नेक्स्ट क्या है, इसमें ये फिर प्लेट आ जाएगा, इसमें फिर प्लेट आएगा, प्लेट आने के बाद फिर जो है क्या होगा, ये इसमें इंसुलेटर रहेगा, इंसुलेटर के बाद फर्दर क्या होगा, एक नेगेटिव प्लेट रहेगा, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट के बीच में क्या रहता है, इंसुलेटर रहता है। तो इसी वजह से जो पॉजिटिव प्लेट्स है, जितने भी पॉजिटिव प्लेट्स है, पॉजिटिव प्लेट्स को एक साथ बाइंड करके पॉजिटिव टर्मिनल निकाला जाता है, और नेगेटिव प्लेट्स जो है उसको सब एक साथ बाइंड करके नेगेटिव टर्मिनल निकाला जाता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर क्या रहता है, ये पॉजिटिव साइन जो है दिया रहता है, और नेगेटिव टर्मिनल के पास जो है ये नेगेटिव साइन जो है दिया रहता है। नॉर्मली क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल का जो डायमीटर है, ये डायमीटर देखिए, डायमीटर जो है नेगेटिव टर्मिनल की जो डायमीटर है इससे थोड़ा सा अधिक है, पॉजिटिव टर्मिनल का डायमीटर जो है थोड़ा सा ज्यादा है। अभी जो बैटरी की प्लेट्स के बारे में बताया, तो ये बैटरी के अंदर जिस समय हम लोग बैटरी चार्जर से चार्ज करेंगे, तो उसमें इस वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या है, ये जो है पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट में जिसमें बैटरी चार्जिंग कंडीशन में रहता है, तो उसमें पॉजिटिव प्लेट में क्या रहता है, ये लेड परऑक्साइड होता है, PbO2। और जो सेल के बीच में जो सॉल्यूशन रहता है, ये इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट में क्या डिपोजिशन होता है, लेड PB। तो ये जो है नेगेटिव प्लेट में डिपोजिशन, लेड जो है ये स्पंजी लेड है, इसकी जो कलर होता है, कलर क्या होता है, ग्रे कलर का होता है, और लेड परोक्साइड जो कलर है, ये कलर होता है चॉकलेट ब्राउन कलर। तो चार्ज कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट में PbO2 और नेगेटिव प्लेट्स में जो है PB जो डिपोजिशन होता है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। और जिस समय ये डिस्चार्ज हो जाता है बैटरी, बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन है, तो इस समय क्या होता है, ये PbO2 और PB ये कन्वर्ट होके दोनों ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में PbSO4 लेड सल्फेट, मीन्स क्या है, व्हाइट कलर। तो और बीच में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाता है, ये जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए बैटरी अगर जो है डैमेज हो गया है, और कभी कभी हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि जो है बैटरी की जो टर्मिनल्स हो जाता है व्हाइट कलर का जो है डिपोजिशन आ जाता है। व्हाइट कलर का डिपोजिशन मीन्स क्या हो गया, बैटरी जो है डिस्चार्ज बैटरी है, और लॉन्ग टाइम तक अगर बैटरी को डिस्चार्ज छोड़ देंगे तो क्या होगा, बैटरी टर्मिनल में यहां से जो है व्हाइट व्हाइट कलर सा आ जाता है, उसको बोलते हैं बैटरी सल्फेशन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो है बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसकी जो सेल्फ की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सेल्फ की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में अगर सेल्फ की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1290 है, मीन्स 1.290 ग्राम पर सीसी है, इट मीन्स क्या है, सेल जो है फुल्ली चार्ज कंडीशन में है। और अगर जो है बैटरी की जो इलेक्ट्रोलाइट की जो सेल की बैटरी सेल की इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है अगर 1.100 आता है, इट मीन्स क्या है, बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज कंडीशन में है।
तो अभी हम लोग क्या है, बैटरी की ये जो सेल है, छह सेल को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये जो है ये हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर को यूज करके हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करेंगे। तो हाइड्रोमीटर में क्या है, हाइड्रोमीटर कुछ नहीं, बेसिकली क्या है, इसमें एक जो है रबर बल्ब है ये, और ये रबर बल्ब है, ये क्या है ग्लास ट्यूब है। नेक्स्ट क्या है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट करने के लिए ये ग्लास ट्यूब के अंदर क्या दे रखा है, एक स्टेम दे रखा है जिसमें एक स्केल है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ग्रीन स्केल है। नेक्स्ट क्या है, ये ब्लू है, और नेक्स्ट क्या है, ये रेड स्केल है। रेड स्केल में है इट मीन्स क्या है, बैटरी जो है डिस्चार्ज कंडीशन में, और बैटरी ग्रीन में है तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स बैटरी में चार्ज है। अभी कितना परसेंटेज चार्ज है बैटरी में, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट करने के बाद जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ग्लास ट्यूब के बाद जो है आगे जो है यहाँ से एक जो रबर ट्यूब दे रखा है, ये रबर ट्यूब क्या होगा, ये जो सेल है, सेल में जो कैप दे रखा है, ये कैप में जो है रबर ट्यूब को जो है इंसर्ट कर रहा है, और रबर बेल्ब बल्ब को जो है प्रेस करके अंदर जो है क्या करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है। तो नेचुरली रबर बल्ब को छोड़ देने से क्या होगा, यहाँ से जो है इलेक्ट्रोलाइट ग्लास ट्यूब में आ जाएगा, और ग्लास ट्यूब में आने के बाद जो इसकी रीडिंग को शो करेगा इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो सबसे पहले हम लोग ये सेल जो है सेल को ओपन कर रहे हैं, ये देखिए सेल को हम लोग ओपन, ये देखिए ये सेल का कैप है, और जिस समय बैटरी चार्जिंग होता है, बैटरी चार्जिंग के समय ये देखिए यहाँ से जो है ये नोजल दे रखा है, ये नोजल से क्या होगा, ये गैसेस जो है गैसेस फ्लो होता है, ये गैसेस फ्लो होता है, ये सेल सीलिंग प्लग है, सेल सीलिंग प्लग, और यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो है वो रिंग दे रखा है, ये है आपका ब्लैक कलर का वो रिंग है सब में, ताकि जो है कोई भी जो है फायर को जो है प्रोटेक्ट कर सके, फायर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दे रखा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये आपका हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर को देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोमीटर को हम लोग जो है इंसर्ट कर रहे हैं, ये वैक्यूम क्रिएट किया हाइड्रोमीटर में, और यहाँ पे जो है ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट को जो सैंपल है, सैंपल को कलेक्ट किया, और सैंपल को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये रीडिंग जो है जो शो हो रहा है। सैंपल को कलेक्ट करते समय इसको ध्यान में रखना है कि ये जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब के अंदर जो स्टेम है, ये स्टेम ना तो ऊपर में टच होना चाहिए ना तो नीचे में टच होना चाहिए, इसी वजह से जो है सैंपल को कलेक्शन करना है। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इस सेल का, ये दिखा रहा है, ये देखिए ब्लू कलर में 1225, इट मीन्स क्या है, ये 1.225 ग्राम पर सीसी। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये जो सैंपल कलेक्शन किया है इसको जो है सेल के अंदर फिर से डाल दिया इसको, तो अभी रीडिंग जो है, रीडिंग को जो है हम लोग नोट कर रहे हैं। सेल वन में जो रीडिंग आया था, सेल वन में जो रीडिंग आया, ये रीडिंग आया आपका 1.225। नेक्स्ट इसी वजह से हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 सेल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग चेक करेंगे 1 बाय 1, और रीडिंग को भी नोट डाउन करेंगे। तो अभी चलते हैं सेल टू में, तो सेल टू में सिमिलर वैसे जो है एसिड को कलेक्ट किया, एसिड को कलेक्ट करने के बाद इसमें जो दिखा रहा है इसमें भी आपका रीडिंग वही है 1.225। इस सेल के सेल में भी जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.225 है। नेक्स्ट चलते हैं सेल थ्री में, सेल थ्री में भी देखते हैं, सेल थ्री में ये सैंपल कलेक्शन हुआ,
और सैंपल कलेक्शन होने के बाद सेल थ्री में भी इसकी जो वैल्यू है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू है, ये भी है आपका 1.225। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेल फोर में। सेल फोर में फिर से जो है सैंपल कलेक्शन करना है, और सैंपल कलेक्शन होने के बाद सेल फोर में जो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें भी है आपका 1.250। ओके, 1.250। तो पहले रीडिंग जो है हम लोग नोट कर लेते हैं, तो रीडिंग को अभी नोट करते हैं। सेल टू में भी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी आया 1.225, सेल थ्री में भी आया 1.225, सेल फोर में आया 1.250। नेक्स्ट सेल फाइव और सेल सिक्स। तो सेल फाइव और सेल सिक्स, अभी सेल फाइव में से सैंपल को कलेक्ट किया, और सेल फाइव में से सैंपल कलेक्ट करने के बाद इसमें भी रीडिंग आपका आ रहा है 1.225, 1.225। नेक्स्ट जो है सेल सिक्स में चलते हैं। सेल सिक्स में रीडिंग देखते हैं। सेल सिक्स में जो रीडिंग आ रहा है, सेल सिक्स में ये रीडिंग आ रहा है, इसमें भी आ रहा है आपका 1.225, ब्लू में है 1.225। तो अभी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो इट मीन्स जो है यहाँ पे एक चीज क्लियर पता चल रहा है कि लगभग जो है सभी सेल में जो है सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और इसमें एक खास करके एक बात ये इसमें बताना चाहूंगा कि कोई भी दो सेल के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू की जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस 25 पॉइंट से ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। जैसा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये वैल्यू जो है 1.250 आया यहाँ पे, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 पॉइंट जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। तो 25 पॉइंट मीन्स क्या है, 0.025, 0.025। तो 0.025 मीन्स 25 पॉइंट से अगर ज्यादा अगर फ्लक्चुएट करता है, इट मीन्स जो है फिर सेल के बीच में जो है कुछ डिस्टर्बेंस है। तो जैसा बताया था कि जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1290 है, तो ये माना जाता है बैटरी जो है फुल्ली चार्ज कंडीशन में है। तो अभी हम लोगों का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आया, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आया, 1.225 सभी में यही वैल्यू आया। तो और एटमोस्फेरिक जो अभी टेम्परेचर है, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में 1.225 आ रहा है। तो इससे अभी हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि हमारा बैटरी जो है कितना परसेंटेज जो है चार्ज है, क्योंकि जो रेफरेंस है, रेफरेंस हम लोगों को पता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड गाइड है। राफ गाइड के अकॉर्डिंग अगर एवरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर राइज करता है या फॉल करता है, तो क्या करना है, 18 पॉइंट्स ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, तो 18 पॉइंट्स ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया स्पेसिफिक ग्रेविटी का 1.225, इसको टेम्परेचर करेक्शन करेंगे। तो टेम्परेचर करेक्शन करने के बाद तभी पता चलेगा हम लोगों को कि बैटरी में कितना परसेंटेज जो है चार्ज है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको टेम्परेचर करेक्शन कैसे किया जाता है, तो जो वैल्यू आया 1.225 प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 18 पॉइंट्स मीन्स कितना है, ये 0.018 डिवाइडेड बाय 25। ये सिंगल डिग्री टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट करता है तो इतना ऐड करना है। टेम्परेचर राइज हो रहा है, इट मीन्स क्या करना है, ऐड करना है। इसको टेम्परेचर डिफरेंस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो टेम्परेचर कितना लिया, 37 माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी इसको जो है कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके देखना है कि ये 1290 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका आ गया 1.225 प्लस, अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने कितना है, 0.018 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय
ये आपका गया टू एंड टू। तो अभी इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रहा है टेम्परेचर करेक्शन करने के बाद, टेम्परेचर करेक्शन करने के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रहा है 1.241। ये टेम्परेचर डिफरेंस से यूनिट फ्लक्चुएशन को मल्टीप्लाई किया और जो अभी का टेम्परेचर में जो मिला 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ये मिला, इसके साथ ऐड करने से ये आ रहा है 1.241 ग्राम पर सीसी। ये आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अभी हम लोग जो रेफरेंस वैल्यू जो पाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 1.290 होने से क्या होता है, फुल्ली चार्ज कंडीशन में रहता है बैटरी। तो अभी ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ये वैल्यू कितना आ गया है 1.241। इट मींस क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए 1.290 मींस क्या होता है 100% चार्ज होता है। तो 1.241 इट मींस क्या है, हमारा बैटरी जो है बैटरी में 96% चार्ज है। तो जैसा हम लोग कैलकुलेशन करके बताया कि इस ये जो बैटरी है बैटरी में कितना है आपका 96% चार्ज है, ठीक है। तो अभी इस बैटरी में जैसा ये मैजिक आए है, ये मैजिक आए देखिए जहां पे जो है बैटरी की जो है स्टेटस को इंडिकेट करता है, ये देखिए यहाँ पे जो है ये मैजिक आए जो है ग्रीन कलर का दिख रहा है। इट मीन्स क्या है, बैटरी में चार्ज कंडीशन में, बैटरी चार्ज कंडीशन में है। जो इसमें देखिए इसमें ये जो है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर जो है ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है बैटरी जो है ओके कंडीशन में है। ये ग्रीन कलर है मींस बैटरी ओके कंडीशन में है। व्हाइट कलर है मींस क्या है, नीड्स चार्जिंग, मींस बैटरी बैटरी को चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है। और रेड कलर अगर दिखता है यहां से ये मैजिक आया है, मैजिक आया से अगर रेड कलर दिखता है इट मींस क्या है, इसमें डिस्टिल वाटर जो है या ग्रेविटी वाटर जो आता है मार्केट में, ग्रेविटी वाटर बैटरी में टॉप अप करना है, ठीक है। तो ग्रेविटी वाटर को भी बैटरी में टॉप अप करते समय जो है एक स्पेशल जो है ख्याल लेना है कि बैटरी प्लेट जो है, प्लेट से जो है 10 से 15 मिलीमीटर ऊपर तक जो है इलेक्ट्रोलाइट की जो है लेवल जो है होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, ये जो आपका सेल सीलिंग प्लग है तो सेल सीलिंग प्लग को जो है टाइट कर देते हैं इसमें 1x1 और सेल सीलिंग प्लग को रिमूवल या टाइट करते समय एक क्यार ये लेना है, इसमें स्क्रू ड्राइवर नहीं यूज करना है, इसमें जो है सिक्का जो है क्वाइंस जो है क्वाइंस को यूज करना है इसमें, ताकि जो है ये इसका जो कैप जो है सेल सीलिंग जो कैप है कैप ठीक रहे, नहीं तो इसका जो एजेस है एजेस क्या हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, बाद में रिमूवल और टाइट करते समय दिक्कत आएगा, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है लेना है। तो अभी जो है नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, ये बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट हो गया, बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट करने के बाद हम लोग ये कंक्लूजन में आया कि बैटरी में 96% चार्ज है। अभी बैटरी का ये क्या है, ये है मल्टीमीटर। अभी मल्टीमीटर से हम लोग क्या करेंगे, बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज को चेक करेंगे। टर्मिनल वोल्टेज मीन्स क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में वोल्टेज कितना है, वोल्टेज को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या, ये नॉब है और नॉब में ये जो है डीसी डीसी वोल्ट, हम लोग जो बैटरी डीसी बैटरी है तो इसीलिए इसको नॉब को कहाँ पे रखना है, यहाँ पे डीसी वोल्ट मेजरमेंट होगा तो यहाँ पे रखा है इसमें। और ये दो डिजिट तक जो है मेजरमेंट करना है तो इसीलिए यहाँ पे रखा है 20 में रखा है। और यहाँ पे ये जो रेड कलर का नॉब है यहाँ पे देख सकते हैं ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये वाला जो जैक है ये यहाँ पे वोल्ट दे रखा है वोल्ट मेजरमेंट करने के लिए, तो इसीलिए ये रेड कलर का नॉब को यहाँ पे दे रखा है। और ये क्या है, ये कॉमन है, ये अर्थिंग है ब्लैक कलर वाला, इसीलिए इसको यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो है इसको कंटिन्यूटी चेकिंग करने के लिए यहाँ पे बटन दे रखा है, तो ये देखिए कंटिन्यूटी चेकिंग हो रहा है यहाँ पे, इट मीन्स जो है कनेक्शन ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग डीसी वोल्टेज मेजरमेंट करना है, डीसी वोल्टेज में चलते हैं। इधर देखिए अभी बैटरी की जो वोल्टेज है वोल्टेज कितना आता है टर्मिनल वोल्टेज, देखिए ये लीड गो पॉजिटिव और ग्राउंड लीड गो जो है इस वजह से जो है टच करा है इसमें, ये देखिए बैटरी की जो वोल्टेज है वोल्टेज शो कर रहा है 12.34 वोल्ट
12.34 वोल्ट। तो इट मीन्स क्या है, जो है बैटरी तो चार्ज है बट जो है फुल्ली चार्ज कंडीशन में नहीं है, बैटरी को जो है चार्ज में देना पड़ेगा क्योंकि ऑल्टरनेटर को ऑल्टरनेटर को स्टार्ट करने के लिए व्हीकल में कम से कम बैटरी में 12.4 वोल्ट होना चाहिए बट इसमें जो है 12.3 वोल्ट शो हो रहा है। तो अभी हम लोग जो है इस बैटरी को क्या करेंगे, चार्ज में लगाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को चार्ज में लगाएंगे। तो बैटरी यहाँ पे देखिए, ये क्या है, बैटरी चार्जर है और बैटरी चार्जर में क्या है, ये जो है इसमें जो पार्ट्स दे रखा है, इसमें क्या है वोल्टेज को सिलेक्ट करने के लिए है और ये क्या है करंट को सिलेक्ट करने के लिए दे रखा है। ये वोल्टेज सिलेक्टर है, ये जो है करंट सिलेक्टर है और यहाँ पे आपका शो करेगा स्टेटस ऑफ चार्जिंग की सिचुएशन में है। यहाँ से जो है ये चीज जो है शो होगा और ये बैटरी चार्जर को जो है ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्विच दे रखा है। ये देखिए ये ऑफ कंडीशन में है अभी यहाँ पे, या इस साइड में किसी एक साइड में देने से बैटरी चार्जर जो है ऑन होगा और ऊपर और ये डाउन साइड में क्या है ऑफ इंडिकेट कर रखा है। और ये इंडिकेटर स्विच है, जैसे बैटरी ऑन रहेगा तो ये देखिए ये इंडिकेटर स्विच जो है ये ऑन हो गया। अभी क्या है ये ऑफ सिचुएशन में। तो अभी ये वोल्टेज सिलेक्टर नॉब से जो है हम लोग इसको डिसाइड उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि कितने बैटरी को जो है हम लोग चार्ज में लगा रहे हैं और किस सिचुएशन में, किस पैरेलल कनेक्शन में लगा रहे हैं या सीरीज कनेक्शन में लगा रहे हैं। अगर सीरीज कनेक्शन में अगर लगाएंगे तो क्या करना है, बैटरी की जो वोल्टेज, अगर दो बैटरी लगाएंगे तो क्या करना है 24 रखना है, अगर तीन बैटरी करेंगे तो 36, चार बैटरी अगर 48 तो इसी वजह से जो है इंक्रीज होगा। अगर पैरेलल ही अगर कनेक्ट करेंगे तो जो है बैटरी की वोल्टेज जो है 12 वोल्ट में रख देना है। अगर एक या एक से अधिक अगर बैटरी अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो उसको 12 वोल्ट में रखना है। अगर सीरीज में देना है तो बैटरी के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो वोल्टेज है वोल्टेज को उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। और ये एम्पियर मीटर जो है ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि कितना एम्पियर में बैटरी को जो है कितना एम्पियर करंट से जो है बैटरी को चार्ज देना है। तो इसमें जो है ये फाइन कंट्रोल नॉब है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस वजह से जो एम्पियर सिलेक्ट करने के लिए दे रखा है। तो जैसा रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है करंट को हम लोग जो है कंट्रोल करेंगे। और यहाँ से जो है ये दो जो है ये डीसी आउटपुट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के लिए है, ये रेड से जो है रेड वायर है और ये जो है नेगेटिव है ये जो है नेगेटिव टर्मिनल के लिए है ब्लैक वायर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो है बैटरी को किस वजह से जो है चार्ज में देना है। तो बैटरी को चार्ज में देने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जो है ये टर्मिनल को थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। टर्मिनल को बेसिकली क्लीन करने के लिए हम लोग जो है फाइन ग्रेड की जो एमोनी पेपर है फाइन ग्रेड की एमोनी पेपर यूज कर सकते हैं या तो जो नॉन मेटेलिक ब्रास है नॉन मेटेलिक ब्रास भी यूज कर सकते हैं। जैसा आप लोग ये देख सकते हैं ये नॉन मेटेलिक ब्रास है तो नॉन मेटेलिक ब्रास से इसको रबिंग करके जो है टर्मिनल को जो है क्लीन कर लेना है ताकि जो है ये नॉन मेटेलिक ब्रास इसीलिए यूज किया जाता है ताकि टर्मिनल किसी भी वैसे जो है डैमेज ना हो। अगर जो है कोई डिपोजिशन वगैरह रहेगा तो जो है हॉट वाटर से भी जो है हम लोग जो है इसको क्लीन कर सकते हैं, टर्मिनल को क्लीन कर सकते हैं। और पूरा जो बैटरी है बैटरी की जो केसिंग है केसिंग को भी क्लीन कर सकते हैं हॉट वाटर से और कॉटन रैक से जो है बैटरी को क्लीन करना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल बैटरी है इस बैटरी को चार्ज में लगाते हैं। तो बैटरी को चार्ज में लगाने से पहले सबसे पहले इसका जो सेल सीलिंग प्लग है इसको जो है ढीला कर देना है, इसको लूज रखना है ताकि जो गैसेस फॉर्मेशन होगा वो गैसेस जो है आसानी से बाहर निकल सके। देखिए ये सेल सीलिंग जो प्लग है सेल सीलिंग जो कैप है कैप को लूज कर दिया और ये आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल को जो है ये पॉजिटिव क्लैंप में लगाया और जो नेगेटिव टर्मिनल को जो है ये इस क्लैंप में लगाया
और लगाने के बाद यहाँ पे देखिए एक सिंगल बैटरी दे रखा है, तो सिंगल बैटरी के लिए जो है ये मैंने जो है ये यहाँ पे देखिए ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट में सेट कर दिया क्योंकि एक सिंगल बैटरी है, तो इसीलिए इसको 12 वोल्ट में रखा है इसको, ठीक है 12 वोल्ट में रखा। और जो करंट है, करंट को जो है ये 3 एम्पियर में दिया। नेक्स्ट क्या है, इसको ऑन कर रहे हैं, ये ऑन किया, अभी देखिए इसमें ये स्टेटस बता रहा है। ये जैसा बैटरी जो है धीरे धीरे जैसा बैटरी चार्ज होता रहेगा, तो ये जो निडल है, ये निडल क्या होगा, ये जो है जीरो की तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है धीरे धीरे इसका मूवमेंट होगा, जैसा ये जीरो में आ जाएगा तो इट मीन्स क्या बैटरी जो है कंप्लीट जो है चार्ज हो जाएगा। तो अभी ये कितना ड्यूरेशन तक इसको चार्ज करना है ये डिपेंड करता है कि कितना करंट जो है मैंने सेट किया। अगर स्लो चार्ज में देना है तो जो है इसमें टाइम जो है काफी ज्यादा लगेगा, और जो है फास्ट चार्ज में देना है, फास्ट चार्ज मीन्स जो है 10 एम्पियर टू 50 एम्पियर भी हो सकता है, वो फास्ट चार्जर आता है, फास्ट चार्जर में देने से बैटरी जो है फास्ट चार्ज हो जाएगा। बट इसमें स्लो चार्जिंग है, इसमें अभी 3 एम्पियर में देने से मिनिमम जो है इसमें जो 15 आवर्स के आसपास जो है 12 to 15 आवर्स जो है टाइम इसमें लगेगा। तो जैसा ही ये धीरे धीरे जैसा ये निडल लेफ्ट साइड को आएगा तो उस समय जो है और भी फाइन कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो उस समय क्या होगा बैटरी चार्ज होने के बाद जो है इसको और मिनिमम करंट में देखे और भी फाइनली जो है और एग्जैक्ट जो है चार्ज कंडीशन में जो है बैटरी को लेके जा सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है जैसा एक से अगर अधिक बैटरी है तो इस सिचुएशन में बैटरी को पैरेलल कनेक्शन करके कैसे बैटरी को चार्ज में लगाना है इसको जो है देखना। तो देखिए सबसे पहले बैटरी को ये ऑफ कर दिया, चार्जर को जो है बैटरी चार्जर को ऑफ किया। नेक्स्ट क्या है ये देख सकते हैं, ये दो बैटरी है और दो बैटरी जो है सेम स्पेसिफिकेशन का है, दोनों बैटरी जो है XP500 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, ये बैटरी की बैटरी चार्जर की जो डीसी आउटपुट है, डीसी आउटपुट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल को कहाँ पे लगाया, एक बैटरी का पॉजिटिव में लगाया। और नेक्स्ट क्या करना है इसमें, ये देखिए दूसरा जो केबल है, दूसरा केबल को भी हम लोग क्या करते हैं इसको पॉजिटिव में लगा दिया और इसको भी पॉजिटिव के साथ लगाया, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव हो गया है। अभी हम लोग जो है चार्जर की जो दूसरा वाला केबल है, दूसरा वाला केबल को जो है नेगेटिव टर्मिनल में लगा रहे हैं इसको, ये देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल में लगाया, ये बैटरी चार्जर का जो नेगेटिव आउटपुट है और इसको जो है दूसरा बैटरी को भी कनेक्ट करेंगे, ये इसका नेगेटिव और इसकी ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ। देखिए ये आपका हो गया अभी पैरेलल जो है कनेक्शन हो गया, ये हो गया आपका कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। इसमें क्या हुआ, ये जो डीसी आउटपुट है बैटरी चार्जर का, इसमें जो पॉजिटिव वाला केबल है, पॉजिटिव एक बैटरी है, ये बैटरी वन का जो है यहाँ पे आके फिट हुआ पॉजिटिव टर्मिनल में, इसकी पॉजिटिव से दूसरा बैटरी की जो पॉजिटिव जो है पॉजिटिव टर्मिनल में गया, और नेगेटिव टर्मिनल जो है नेगेटिव टर्मिनल जो है इसी वजह से बैटरी चार्जर का नेगेटिव कनेक्शन के साथ जो है टच में है, कनेक्शन में है। ये देखिए ये नेगेटिव है, यहाँ से इसका ये नेगेटिव में आया, फिर इसकी नेगेटिव से फिर जो है इसका भी नेगेटिव में गया। अगर इसी वजह से अगर 3 बैटरी या 4 बैटरी को चार्ज में लगा रहा है तो इसी वजह से हम लोग जितने पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स को जोड़ते जाएंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल्स को जोड़ते जाएंगे। अभी इसमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, बैटरी चार्जर को ऑन करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका तो कैप खुला हुआ है और इसकी जो सेल सीलिंग प्लग है, इसको भी इसका सेल सीलिंग प्लग को भी जो है खोल देते हैं। देखिए इसका जो सेल सीलिंग कैप है इसको भी खोल दिया, और खोलने के बाद अभी
वोल्टेज सिलेक्ट करना अपने जानते हैं। वोल्टेज सिलेक्टर में यहाँ पे 12 वोल्ट में रख दिया और करंट जो है ये 3 एम्पियर में दे रखा है जस्ट कनेक्शन दिखाने के लिए। इसमें अभी इसको ऑन करते हैं, ये देखिए ऑन कर दिया। अभी ऑन करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये आउटपुट जो है डीसी वोल्टेज कितना है इसको मल्टीमीटर से हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना है, कितना वोल्टेज जो आ रहा है ये देखिए, ये आपका आ रहा है 12.82 वोल्ट। बैटरी चार्जर का जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है ये है आपका 12.84 वोल्ट है, और यही वोल्ट जो क्या होगा धीरे धीरे टर्मिनल में जाएगा। तो यहाँ पे ये बैटरी वन है, इसका टर्मिनल वोल्टेज देखिए ये कितना है 12.7374, ये दिखा रहा है 12.74 वोल्ट। और जैसा चार्ज होता रहेगा धीरे धीरे जो है वोल्टेज बढ़ता रहेगा। और बैटरी टू इसमें भी जो है वोल्टेज देखिए इसमें कितना दिखा रहा है 12.77, 12.78, इसी वजह से इंक्रीज होता रहेगा। अगर जो है यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अगर इसको इंक्रीज करना है, आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो करंट की जो फाइन कंट्रोल है, फाइन कंट्रोल को इंक्रीज बढ़ाना पड़ेगा, फाइन कंट्रोल को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने से आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगा। जैसा ये 3 में था अभी अगर 4 में देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना आ गया, ये 13.18 आउटपुट वोल्टेज है। अगर इसको कम करते हैं तो यहाँ पे ये वोल्टेज आता है आपका 13.0405 वोल्टेज। तो इसी वजह से जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है करंट को हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ये फाइन कंट्रोल नॉब है, फाइन कंट्रोल नॉब से जो है करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करके जो है हम लोग इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो बैटरी अगर जो है फुल्ली चार्ज अगर हो जाता है, ये भी 12 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 बैटरी के जो नॉमिनल वोल्टेज है, बैटरी अगर जो है फुल्ली चार्ज होता है तो 12 वोल्ट बैटरी इसका वोल्टेज जो है काफी हाई हो जाता है, तो इसीलिए इसको फुल्ली चार्ज नहीं किया जाता है, इसको 80% जो है चार्ज किया जाता है। 80% चार्ज मीन्स क्या बोलते हैं उसको, बैटरी की गैसिंग वोल्टेज। तो 80% चार्ज मीन्स क्या है, बैटरी का वोल्टेज आएगा 14.2 वोल्ट, क्योंकि 14.2 वोल्ट अगर चार्जिंग होने के बाद बैटरी का वोल्टेज पहुंच जाता है तो बैटरी से गैस आना चालू हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलता है, बैटरी की गैसिंग वोल्टेज। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है अगर 100% चार्ज होता है तो इसका वोल्टेज होगा 16.2 वोल्ट। तो इसमें जो है रिस्क फैक्टर है, इसीलिए बैटरी को 80% चार्ज होने के बाद जो है इसको ये कर दिया जाता है, चार्ज से रिमूव कर दिया जाता है, बैटरी जो है यूज किया जाता है। अभी ये जो प्रोसेस बताया ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन जो है प्रोसेस बताया, पैरेलल कनेक्शन में जो है इस वजह से जो है बैटरी को चार्ज में लगाया जाता है। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग जो है सीरीज कनेक्शन, बैटरी को सीरीज में कैसे कनेक्शन करना है इसके बारे में बताएंगे। तो अभी बैटरी को सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है दोनों बैटरी को, ये चीज देखना है। तो ये बैटरी चार्जर है, बैटरी चार्जर का जो डीसी आउटपुट है यहाँ पे देखिए, ये रेड केबल है, ये ब्लैक केबल है। रेड केबल जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल के लिए है और ब्लैक केबल जो है नेगेटिव टर्मिनल के लिए है। तो डीसी आउटपुट का, बैटरी चार्जर का जो डीसी आउटपुट है इसका जो पॉजिटिव केबल है, पॉजिटिव केबल को ये बैटरी वन है, बैटरी वन का पॉजिटिव टर्मिनल में लगाया। नेक्स्ट सेकेंड जो बैटरी है, सेकेंड बैटरी की जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल में बैटरी चार्जर का जो ब्लैक केबल है इसको लगाया। और फर्स्ट बैटरी और सेकेंड बैटरी को सीरीज में जोड़ने के लिए इसका नेगेटिव, फर्स्ट बैटरी का नेगेटिव और सेकेंड बैटरी का पॉजिटिव, ये दोनों को, दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया। तो इस वजह से दोनों बैटरी को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखना है, अभी नेक्स्ट बैटरी चार्जर को ऑन किया, ये देखिए बैटरी चार्जर ऑन हो गया है, ये ऑन हुआ। नेक्स्ट ये वोल्टेज जो है, वोल्टेज को 12 से 24 वोल्ट में कर दिया, ये अभी चार्जिंग स्टेटस जो है ये बता रहा है।
24 वोल्ट में इसीलिए किया क्योंकि दो बैटरी लगा हुआ है इसमें, और दो बैटरी लगाने के कारण जो है बैटरी की जो वोल्टेज है वोल्टेज को इंक्रीज किया गया। अगर तीन बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, 12 वोल्ट की तीन बैटरी है तो 36 वोल्ट में वोल्टेज सिलेक्टर नॉब को सेट करना। तो अभी यहाँ पे जो है करंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं जैसा रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे देखिए इंडिकेटर जो है फाइन कंट्रोल जो नॉब है इसमें 3 एम्पियर में करंट को सेट कर रखा है। नेक्स्ट अभी आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। यहाँ देखिए मल्टीमीटर से इसमें देखिए ये डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, इसमें डीसी आउटपुट वोल्टेज आ रहा है मेरा वो 26.5 वोल्ट, क्योंकि दोनों बैटरी जो है सीरीज में कनेक्शन है और सीरीज में कनेक्शन होने के कारण वोल्टेज सिलेक्टर नॉक को 24 वोल्ट में सिलेक्ट किया। इधर की डीसी आउटपुट वोल्टेज जो है 26.5 वोल्ट आ रहा है, और यहां से जो इधर जो टर्मिनल वोल्टेज है बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज को भी देख सकते हैं। ये देखिए इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है ये आ रहा है 13.0, 20 में करते हैं इसको, देखिए ये आ रहा है 13.2425 वोल्ट, और बैटरी टू इसका वोल्टेज आ रहा है आपका 13.32 वोल्ट। तो इसी वजह से बैटरी को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ये सीरीज में बैटरी को कनेक्शन करने का प्रोसेस है। अभी बैटरी चार्जर को ऑफ कर रहा हूं और ये केबल जो है रिमूव कर रहा हूं। तो बैटरी को स्टोर करने के लिए क्या करना है, ये जो लीड है बैटरी की जो लीड है जो टर्मिनल्स में जो है हम लोग पेट्रोलियम जेली वगैरह ये सब यूज करते हैं। बैटरी को पीरियोडिकली जो है इसको चेक करना है, इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट की लेवल है लेवल को भी देखना है, मैजिक आई को जो है जो मैनुअल है मैनुअल के अकॉर्डिंग उसको भी चेक करना है, ताकि जो है किसी समय जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है टॉपअप करने की जरूरत पड़े या जो है चार्जिंग की जरूरत पड़े, तो इस चीज को क्या करना है हम लोग को फॉलोअप करना है, तब जाके हम लोग को क्या होगा बैटरी की जो लाइफ है लाइफ को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ओके थैंक्स।